रवि मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भादरा विधायक बलवान पूनिया के आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त किया। मंगलवार को 11 जने जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। बुधवार को भादरा विधायक बलवान पूनिया मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर आंदोलन खत्म करवाया। पूनिया ने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में उठाकर हथियारों की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डीवाईएफआई प्रदेशाध्यक्ष जगजीत जग्गी ने कहा कि रवि मेघवाल हत्याकांड में न्याय मिलन तक आंदोलन जारी रहेगा। डेका रवि मेघवाल हत्याकांड के मामले में जो धरना था, इसमें डीवाईएफआई और दूसरे जनसंगठन और परिजन बैठ करके राजस्थान की पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि आप इस हत्याकांड का फौरन खुलासा कीजिए। मैं समझता हूं कि पिछले 85 दिन से नौर में भी एक धरना चल रहा है पवन व्यास हत्याकांड को लेकर, और इस ज़िले में जिस तरीके की कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर चिंताएँ हैं। हमारे भादरा क्षेत्र में भी 2-3 कत्ल हुए हैं, हालांकि मुलजिम पकड़े गए उन मामलों में, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे ज़िले के अंदर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद होकर के जनता की रखवाली करने का काम करे, और जिन लोगों ने एक रवि मेघवाल के घर में घुस करके गोली चलाई और पवन व्यास का मर्डर हुआ, मर्डरर क्या चाहते थे, उनके इरादे क्या थे, ये बात जनता के सामने आए और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। अगर विधानसभा सत्र से पहले पहले इनका समाधान नहीं होता है तो ये दोनों मसले रवि मेघवाल और पवन व्यास में राजस्थान की विधानसभा में जोरदार तरीके से